मेरा नाम योगेश पंजवानी है, आई एम फाउंडर ऑफ जोमेट जी। तो ये जो जोमेट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मैम, जोमेट है एफोर्डेबल और रिलेवेंट मोबाइल फोन रिपेयर सर्विसेज ऑन साइट प्रोवाइड कराना कस्टमर को। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि ये जो जोमेट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया? और मेरे पास फर्स्ट टाइम हमारे को क्लिक हुआ था 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था, तब हमने कस्टमर्स को, मेरे ब्रदर की फ़ोन रिपेयर शॉप है, हम वहाँ बैठते थे चारों फ्रेंड्स, तो देखते थे कस्टमर वहाँ परेशान होता था, तो हमने फर्स्टली वहाँ पे हमें आइडिया आया था और हमने उसको इम्प्लीमेंट करके उसका वैलिडेशन भी लिया था और काफ़ी कस्टमर्स को हमने सर्विसेज दी थी उस टाइम पे भी, लेकिन हमारे पास तब कोई पोर्टल वगैरह अवेलेबल नहीं था, हम मैनुअली सर्विसेज देते थे। और उसके बाद फिर हमने 2022 में, दिसंबर 2022 से इस पर वर्किंग स्टार्ट की और हमारा पोर्टल बन के रेडी हुआ, जो भी हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कंप्लीट हुए और हम 8 मई से हमने भोपाल में सर्विसेज हमारी स्टार्ट की हैं। तो क्या आपकी सर्विसेज केवल भोपाल में या फिर आप ऑल ओवर इंडिया इसकी सर्विसेज? हम अभी हमारे पास बैंगलोर, नोएडा, भोपाल सर्विसेज अवेलेबल है। तो आपने अभी तक कितने लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड? हमारे पास 10,000+ कस्टमर्स को हम सर्व कर चुके हैं 4 मंथ्स में। जी। तो जैसे आपने बताया, आपने मतलब 10,000+ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की, आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं अभी जो आपके साथ काम? हमारे पास मैम 27 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 4 आउट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं और 23 इंडियन एम्प्लॉइज हैं, और बहुत से वर्क फ्रॉम होम करते हैं और बहुत से एम्प्लॉइज ऑन साइट आते हैं। जैसे अगर किसी को अपने फोन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो वो जोमेट से कैसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे मतलब अपनी परेशानी दूर करा सकते हैं? बहुत रिलेवेंट तरीका हमने यूज किया है। बहुत जगह होता है कि पोर्टल पे बुकिंग होती है और छोड़ दिया जाता है, हमारे पास पोर्टल पे हमारे zomit.in पे जाके आप सर्विस भी बुक कर सकते हैं, और हमारा एक सर्विस केयर नंबर है 6268504646, और उस पर आप कॉल लगा के, हमारी कस्टमर केयर टोटल टीम है, वो आपको सपोर्ट देगी। इवन आप जो सर्विस ले चुके होंगे उसके लिए आपको रीसर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर भी आपको सिर्फ एक सिंपल कॉल करना है, ना ईमेल, ना ऐसा कोई हैसल फ्री हमारा प्रोसेस है, तो इसमें आप इजीली सर्विस बुक कर सकते हैं। अभी तक जैसे आपने बताया कि मतलब ये 4 महीने हुए, तो कितनी रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है? हमारे 25 लाख+ का रेवेन्यू हमारे पास जनरेट है करेंटली भोपाल सिटी के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट रेवेन्यू। वो मेजरली मोबाइल फोन रिपेयर सर्विसेज से संबंधित सभी सर्विसेज आप बुक कर सकते हैं। मेजर सर्विस जो बुक होती है वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट की होती है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है कस्टमर की, उसके अलावा नेटवर्क इश्यूज, आपका चार्जिंग इश्यूज और बैक पैनल, कैमरा रिप्लेसमेंट सर्विसेज, इस तरीके की जितने भी 20+ सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आप हमारे पास सब बुक कर सकते हैं। तो क्या शुरुआत होगी इन सर्विसेज की और कितने तक की? हमारे पास सर्विसेज स्टार्ट है 99 रुपीज़ से। अगर आप किसी का फोन डेड है, हमारे पास कोई भी ऑन साइट विजिटिंग या पिकअप एंड ड्रॉप चार्ज नहीं होता, सब फ्री होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम अवेल नहीं करते हैं यहाँ पे। और 99 रुपीज़ हमारा सिर्फ इंस्पेक्शन चार्ज होता है, वहाँ से आप सर्विस बुक कर सकते हैं, और अप टू हमारे पास सर्विसेज हमने अभी की हैं 44,000 तक सिंगल सर्विस। जी, तो इसका आइडिया कैसे आपको क्लिक हुआ कि आपको इसको? आइडिया जैसे कि मैंने बताया, मेरा ब्रदर इस सेगमेंट में है, उसकी शॉप है ऑलरेडी 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था 3-4 आवर्स के लिए शॉप खुलती थी, तो कस्टमर उस टाइम बहुत परेशान होता था, इवन घर तक चले आते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, और बहुत डबल प्राइसिंग में उस टाइम पे सर्विसेज हुई, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा, और अच्छी सर्विसेज नहीं हुई इस टाइम पे, कस्टमर परेशान हुआ, ग्रॉसरी डिलीवर हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ऑन साइट मोबाइल फ़ोन रिपेयर सर्विसेज का कोई मॉड्यूल नहीं था। फिर हमने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई, न यूके में ऐसा कोई ब्रांड है, न यूएस में है, न इंडिया में ऐसा कोई सर्विस रिलायबल ब्रांड नहीं है जो ग्लोबल अपने फुटप्रिंट छोड़ चुका हो, तो हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम इस सेगमेंट में जाएंगे, और 2022 में हमने हमारी कंपनी रजिस्टर्ड की और वहाँ से हमारी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं। मई 8 से हमारे भोपाल में सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं और जनवरी से हमारे बैंगलोर, नोएडा वगैरह में सर्विसेज स्टार्ट हुई। कितने सारे एम्प्लॉइज हैं? देखिए, बेसिकली मैं फाउंडर हूँ जोमेट का, और 3 को-फाउंडर और हैं मेरे साथ, सत्यम सिंह, देवेंद्र सिंह राजपूत एंड अभिनव खरे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है कोई, और हमारे पास 27 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं, पर जिसमें से 4 हमारे आउट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं और 23 इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और 23 में हमारे पास बहुत से फीमेल स्टाफ भी, और हमारे पास स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव, और जिनके कारण हम ग्रो कर पा रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ जो हमें मिल रही है हमारी टीम के कारण मिल पा रही है। जी, तो आपकी ये जो जोमेट है, जो आपका एक स्टार्टअप है, ये आप कितने रुपए से आपने शुरू किया था? हमने स्टार्ट किया था 20,000 रुपीज से।
जो हमारा जी हाँ कंपनी का जो हमारा प्रोडक्टिव अमाउंट था वो 20,000 था, फिर हम इसमें इन्वेस्ट करते गए हैं और अप टू 5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था, जो कि हमने पूरा इसमें से निकाल लिया है, अब हम प्रॉफिटेबल हैं इसमें जी। तो जैसा कि अभी जो नई स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि इससे बेस्ट टाइम कभी है नहीं स्टार्टअप स्टार्ट करने का। अगर आप सोच रहे हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, और आप थोड़ा करेजियस बनिए, जो जॉब करते हैं हमसे भी बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, सिर्फ करेज का इशू है। अगर वो करेज करते हैं और चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो कल पे न टालिए, आज ही स्टार्ट कीजिए, और बहुत बहुत ही बेहतरीन टाइम है इंडिया में स्टार्टअप की जर्नी को स्टार्ट करने का। चैलेंजेस आएंगे आपको, पर डे चैलेंजेस आएंगे, आपको फेस करना है, आपको गिरना है और उठना है कि जर्नी लगी रहेगी, और ये बहुत बेस्ट टाइप है जी। तो जैसा आपने बताया था कि आपकी जर्नी जो शुरू हुई दिसंबर 2022 से शुरू हुई है, और मई में आपने प्रॉपर अपना सेटअप तैयार कर लिया, तो इतने कम समय में आपने जो अपना काम किया, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने? देखिए इसमें ये हमारा पूरा बिल्डिंग प्रोसेस का टाइम था, जो हमारा जो आज हमारे पास 27 एम्प्लॉयज़ की टीम है, ये हमने बिल्ड की, बहुत से मेथड्स से हमने उनको कनेक्ट किया, जैसे आउट ऑफ इंडिया के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेन टेक्नोलॉजी इम्पोज की हुई है हमने ज़ोमैटो में, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो उनको हमने किसी को फेसबुक से कनेक्ट किया, किसी को अदर मीडियम से कनेक्ट किया, ऐसे करके हमारी हमने टीम बिल्ड की है, क्योंकि हमारे जितने भी सोर्सेस हैं रिसोर्सेस हैं, SEO लगता है, मार्केटिंग लगता है, डेवलपमेंट लगती है, सब हमारी टीम इन हाउस है, और हम इन हाउस टीम में ही वर्किंग करते हैं, और हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हमने आउटसोर्स कुछ भी नहीं किया है ज़ोमैटो में, और जितनी भी हमारी टीम है इसको बिल्ड होने में है, हमें 4 से 5 महीने का टाइम जरूर लगा है, लेकिन टीम हमें बहुत अच्छी मिली हुई है। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनसे आपने कैसे कनेक्ट किया? उनसे हमने स्टार्टिंग में हमने जैसे 8 मई को सर्विस स्टार्ट की थी, तो हमने एक कुछ इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करके सिर्फ स्टार्ट किया था, और हमारे पास फर्स्ट डे पे ही सर्विस आ गई थी हमारे पास।